हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को सुबह की गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये रात की बची बासी रोटी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो मैं बोली चलो ये बासी रोटी का कुछ ट्राई करा जाए। तो देखिए इसका मैं उपमा बनाऊँगी। ये उपमा मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये रोटी है, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम जार में, जैसे सोजी रहती है ना वैसे दरदरा हम इसको पीस लेंगे। अब मैंने ये सोजी के टुकड़े कर ली हूँ बारीक बारीक। अब इसको मैं जार में डाल दूंगी। देखिए सभी टुकड़ों को मैंने जार में डाल दी हूँ। अब इसको मैं मिक्सी में घुमा लूंगी। देखिए गाइस, इसको मैंने जैसे सोजी होती है ना वैसे मैंने इसको पीस ली हूँ, ज़्यादा चिकना नहीं पीसी हूँ। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए अभी इस टाइप का हो गया है। देखिए मैं उपमा बनाने के लिए क्या क्या लूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए ये फल्ली दाना है, चॉप करी हूँ प्याज, हरी मिर्ची, आलू को भी बारीक बारीक काट ली हूँ मैंने, ये धनिया पत्ती और ये मीठा नीम और एक नींबू। चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने गैस पर ये फ्राई पैन चढ़ा दी हूँ। मैं इसमें तेल डाल के फल्ली को पहले फ्राई कर लूँगी। अब ये तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। अब ये तेल हो गया, फल्ली दाना डाल देती हूँ मैं। इसको हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी। अब देखिए ये फल्ली दाना रोस्ट हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैं आलू को फ्राई कर लूंगी। आप चाहे तो इसमें कुछ भी सब्जी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो। मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ फल्ली दाने और आलू थे, तो मैं उसी को डाल रही हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हो सब्जियाँ, जैसे गाजर है, शिमला मिर्च है, मटर है, ये डाल सकते हो। अभी आलू फ्राई करते टाइम थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूंगी, क्योंकि इससे डालने से आलू थोड़े फीके नहीं लगते। देखिए ये आलू भी फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब इसमें हम डालेंगे राई। राई देखिए हो गई है। अब इसमें हम करी पत्ता डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चॉप कर दी प्याज और ये हरी मिर्ची। अब देखिए ये प्याज भी हल्की सी हो गई है। अब इसमें मैं ये फ्राई करे हुए आलू डाल दूंगी और ये फ्राई करे हुए फल्ली दाना डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्ची डाली है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर नहीं डाल सकते। डालना चाहे लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हो, नहीं भी डाल सकते, मैंने डाली हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये हम रोटी को डाल देंगे जो हमने इसको पीस के रखी थी और इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
अब इसमें हम थोड़ा नमक डाल देंगे, नमक देखते ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक डाला था। अब ऊपर से चॉप करी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे और ऊपर से हम लेमन जूस डाल देंगे। और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए गाइस, ये बासी रोटी का उपमा बनके तैयार है। अब मैं एक प्लेट में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये उपमा बनके तैयार है बासी का रोटी का। कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये रोटी का उपमा है। उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलते हैं गाइज़ अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।